सबसे पहले बात करेंगे यूपी चुनाव की, जहां पांचवें चरण के लिए मतदान जारी है। आज उत्तर प्रदेश में अलग अलग इलाकों में जो वोटिंग हो रही है उसके मुताबिक 3 बजे तक 46% से ज्यादा की वोटिंग हो चुकी है। सबसे ज्यादा चित्रकूट में 51% से ज्यादा वोटिंग हुई है। अयोध्या में 50%, बहराइच और कौशाम्बी में 48%, अमेठी में 46% मतदान हो चुका है। 12 जिलों की 61 सीटों पर बता दें वोटिंग हो रही है। 61 सीटों पर मैदान में 693 प्रत्याशी हैं। वोटिंग के लिए 14,030 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ये दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े हैं जो बता रहे हैं 46% से ज्यादा की वोटिंग हो चुकी है। चलिए हम रुक करेंगे, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट आलोक राय जी का हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं। आलोक जी, क्या कह रहे हैं आंकड़े? 3 बजे तक के तो आंकड़े आ गए हैं, कुछ ही देर बाद वोटिंग का समय भी खत्म हो जाएगा, क्या है अपडेट्स? देखिए, 3 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो हम अपने दर्शकों को बता देंगे। उसमें सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज रहा, जो वोटिंग हुई है, वो चित्रकूट में रही है, लगभग 51% के आसपास। और उसके बाद अयोध्या दूसरे नंबर पर रहा, जहां 50% के आसपास वोट पड़ा। और जो टोटल एवरेज रहा वो 46% के आसपास रहा है 3 बजे तक का, जो 12 जिलों की जो है 61 विधानसभा सीटों पर जो वोटिंग हो रही है आज, उसका ये रहा है। और ये 2 घंटे बाद लगभग जो है पोलिंग खत्म हो जाएगी, यानी 6 बजे जो उसका टाइम है वो पोलिंग समाप्त हो जाएगी। हालांकि जो लोग बूथ के अंदर पहुंच चुके होंगे, लाइन में लगे होंगे, उनका वोट पड़ेगा, 6 बजे के बाद भी पड़ता रहेगा। और इसीलिए जो फाइनल स्कोर है वोटिंग का, वो थोड़ा लेट से आएगा, लगभग 8 बजे के आसपास पूरा ये हमें पता चल जाएगा कि कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है इस चरण में, कितना मतदान हुआ है। जी चलिए, आप नजरें बनाए रखिए, जब परसेंटेज का एक फाइनल सामने आ जाएगा उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि काफी खास सीटें भी हैं इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए इस खबर पर। 12 जिलों की 61 सीटों पर वोटिंग हो रही है और 693 प्रत्याशी हैं जिनके किस्मत का फैसला आज ईवीएम में लॉक होना है। अब जनता का रुख किस तरफ है, हालांकि अलग अलग हम क्षेत्रों की पहले भी बात कर चुके हैं यूपी चुनाव में, इस बार काफ़ी दिलचस्प बात यह है कि काफ़ी राजनीतिक दल जो हैं बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी दूसरी तरफ काफ़ी आश्वस्त है। बीजेपी को पूरा भरोसा है कि एक बार फिर से यूपी में सरकार बनाएंगे।